Good morning, all. Good morning, sir. सर आप यस्टरडे का होमवर्क एक बार डिस्कस करोगे क्या? यस सो इन द फर्स्ट पार्ट वी डिस्कस अबाउट योर डाउट्स लेवल वन होमवर्क डिस्कस किया था क्या? नहीं सर। ओके। सर लेवल वन होमवर्क में सेवेंथ का ऑप्शन कोई सही नहीं है सर। 0.33 आ रहा है आंसर। चेक करो मैं। देखते हैं। सो सेवेन इट इज गिवन दैट फारेनहाइट थर्मामीटर The registers 107 while the faulty Celsius thermometer register 42. Find the error in later S. So find out karna hai, what about the error in it? So you can write a Fahrenheit thermometer mein jo reading hai, which is 107. So you can write this is 107 minus 32. Divided by 180 should be equal to reading in Celsius scale minus 0 divided by 100. So we can find out what about the corresponding reading in degree Celsius scale. So you can write this as equal to nothing but ye jo C ka value degree Celsius sir, four scale mein kya aa raha hai ab dekh sakte hain. This will be 107 minus 32, that will be 75. This is 75 into 10 by 18, or you can take it as 5 divided by 9. So this is 75 into 5, that is 375 divided by 9. So that we are going to get around 41.66. Okay. But usme jo reading hai, wo kya aa gaya? 42 aa gaya. Got it? So error humko calculate karna hai. Error is nothing but the actual value minus measured value. So we can write 42 minus 41.66 karega. So we'll get around 0.3 aana na. Yeah, 0.34 ke aspas, yeah, 0.33. Yes, sir. But wo to hai na. Around 0.34. Yeah, yes, yes. 0.60 answer. 0.34 aana chahiye, yes. Aur kuch question doubt hai? सर कल का 1 to 5 में से आई हैड अ डाउट इन द फोर्थ वन यस सर लेवल 1 होमवर्क में और कुछ क्वेश्चन में डाउट है सर जो कल का आपने क्वेश्चन भेजा था उसके सॉल्यूशन की तरह मतलब मैंने आंसर सॉल्व किया मेरे को उसका सॉल्यूशन चेक करना था ओके हेलो सर 1 टू लेवल 1 होम लेवल 1 एक मिनट लेवल 1 होमवर्क में और कुछ क्वेश्चन में डाउट है नो सर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर सर सो फॉर द कैलकुलेशन वी कैन डायरेक्टली यूज द इक्वेशन फॉर दैट टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस That is alpha in terms of R1 and R2. This alpha is equal to nothing but
R2 minus R1 divided by R1 T2 minus R2 T1. तो डायरेक्टली इसमें सब्स्टिट्यूट करके हम लोग ये आर का अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सर बोलो बेटा. सर आपने टेक्स्ट बुक का भी वो एक्सरसाइज वन और टू बोला था ना सर, तो एक्सरसाइज वन का मतलब ऐसा 15 क्वेश्चन के बाद ना थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स का आता है क्वेश्चन. सर जो आपने शीट भेजा है ना वो 6 क्वेश्चन का, उसमें मेरे को थर्ड और सिक्स्थ वाले में डाउट था. सर पांच ही क्वेश्चन करने थे. यस सर. अर्नव क्या कुछ डाउट है? नो सर. सर क्या सर इन सेवेंथ क्वेश्चन सर वी कैन डू बाय दैट नो एफ माइनस 32 बाय 100 इक्वल टू सी माइनस 0 बाय 100 इन दैट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ देन वी कैन गेट द करेक्ट एरर वैल्यू. हमने फारेनहाइट थर्मामीटर में रीडिंग 107 दिया है, डिग्री सेल्सियस में नहीं. सर हम लोग डिग्री सर हम लोग फारेनहाइट की मदद से डिग्री सेल्सियस का ढूंढ सकते हैं ना और फिर उसको माइनस करने का. यस सर. वही तो किया ना, तो डिग्री सेल्सियस का वैल्यू फाइंड आउट किया तो 41.66 आया ना. सर मैंने क्या तो then we can find the Fahrenheit value. No. It's not like that. A faulty Celsius thermometer. Okay. मतलब Celsius thermometer में गलती हो रहा है, Fahrenheit में नहीं है. तो actually 107 Fahrenheit में अगर दिखाएगा तो actual degree Celsius scale में कितना दिखाना चाहिए? 41.66 दिखाना चाहिए. Instead of 41.66 उसमें 42 दिखा रहा है. तो पूछे कि उसमें एरर कितना है, समझा? ओके सर. सर बोलो बेटा. सर हाउ दैट 0.34 केम? 0.3 दैट इज अ डिफरेंस. एरर इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू. तो एक्चुअल वैल्यू हमको मिलना चाहिए 41.66 और लाइक हमको जो मेजर्ड वैल्यू है that we got it as nothing but 42. So, this is the difference, which is nothing but 0.34. Okay, sir. The error is the difference between measured value and true value. So, answer is exact? According to this question, I'm going to answer 0.34 mil, rahe, but option mein nahi hai. Hello, sir. बोलो बेटा. बोलो भेजे ना, उसमें से मेरे को थर्ड और सिक्स्थ क्वेश्चन पे डाउट था. तो क्लोजेस्ट आंसर 0.6 ले सकते हैं ना? इसका आंसर 0.34 है, बाकी हाँ. आपके ऊपर है. तो लेवल वन होमवर्क में और कुछ क्वेश्चन में डाउट है? नो सर. लेवल टू क्लास वर्क में कुछ डाउट है? सर लेवल वन होमवर्क 9th वन. सॉरी सर. लेवल वन होमवर्क 9th वन. द फारेनहाइट एंड केल्विन स्केल ऑफ टेंपरेचर. द प्रेशर ऑफ अ हाइड्रोजन गैस इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर इज 80 सेंटीमीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 110 एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 95 एट नॉन
टेम्परेचर टी देन द वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू, तो हम लोग इसको प्रेशर का टर्म में लिख रहा है, तो वी कैन जस्ट कंसिडर इट्स लोअर फिक्सड पॉइंट अपर फिक्सड पॉइंट एंड अदर थिंग्स. So the pressure of hydrogen gas at a constant volume gas barometer is 80 centimeter at 0 degree Celsius. You get lower fixed point. And 110 centimeter at 100 degree Celsius. You get upper fixed point. And a particular point mein 95 mil rahe at an unknown temperature T. So we can compare these two thermometer scale. So ek mein aa raha T minus 0 divided by 100 minus 0 is equal to. सेकेंड में आ रहा है 95 इज अ रीडिंग माइनस 80 इट्स अ लोअर फिक्स्ड पॉइंट व्हिच इज 80 डिवाइडेड बाय 110 माइनस 80 सो वी कैन फाइंड आउट व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ टी ओवर हियर करेक्ट अच्छा ओके हां सर सो द वैल्यू ऑफ टी विल बी इक्वल टू 100 इनटू स्क्वायर क्या हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर हो जाएगा दैट इज 30 तो क्या आएगा 50 डिग्री सेल्सियस पे आएगा टेम्परेचर में फारेनहाइट में रीडिंग है और केल्विन स्केल में रीडिंग है वो हमको सेम आ रहा है तो लेट्स से द रीडिंग इन फारेनहाइट इज एक्स सो वी कैन राइट द रीडिंग इन थर्मोमीटर डिग्री सेल्सियस इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स So x minus 0 divided by 100 minus 0 with respect to degree Celsius should be equal to x minus 32 divided by 212 minus 32. That means x divided by 100 should be equal to x minus 32 divided by 180. So we can find out what the value for this x over here. Got it. That means we can take it as 9x.273 minus 273 which is 100. So you can write x minus 32 divided by 180 is equal to x minus 273 divided by 100. So you can find out the relation between them. That is 5x minus 32 into 5 is equal to 9x minus 273 into 9. So you can find out what about the value for it. इसका वैल्यू क्या है 5x 9x minus 5x that we can take as 4x is equal to 273 into 9 minus 32 into 5 so the value of x will be 273 into 9 minus 32 into 5 divided by 4 so we'll get the value of x over here ये आपको अगर डिग्री सेल्सियस और इसमें कंपेयर करेगा तो क्या होगा माइनस 40 आएगा तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं 273 माइनस 40 अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा 197 के आसपास आएगा तो डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट में सेम आने के लिए माइनस 40 आना चाहिए ऐसा इधर भी आप देख सकते हैं व्हाट इज द आंसर तो 273 इनटू 574.25 Sir, can you show the tension that you just now solved previously? Thank you, sir.
डन सर सर जस्ट अ मिनट सर सर कैन यू डिस्कस दैट क्वेश्चंस व्हिच वर गिवन इन सिक्स क्वेश्चन शीट यस 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 ओके सर Done, sir. Yeah. Or level two homework mein kuch doubt hai? Sir, level two classwork fourth one. Just given that upper and lower fixed point of a faulty mercury thermometers are 210 and 334 farad respectively. The correct temperature reading, the correct temperature read by this thermometer is. इसका मतलब है अगर हमारे पास एक थर्मोमीटर है उसमें जो अपर फिक्स्ड पॉइंट है उसको हमने 210 लिया है एंड लोअर फिक्स्ड पॉइंट इसको 34 लिया है एंड एक्चुअल जो टेम्परेचर मतलब फारेनहाइट थर्मोमीटर है उसमें क्या होगा दिस विल बी इक्वल टू 32 एंड 212 होना चाहिए सो द करेक्ट टेम्परेचर रीड बाय दिस वन इज करेक्ट टेम्परेचर रीड बाय दिस वन मीन्स अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में इसमें जो रीडिंग है और इसमें जो रीडिंग है वो सेम ही आ रहा है ओके तो देखना है कौन सा टेम्परेचर में वो सेम रीडिंग होता है दोनों में अगर फर्स्ट के लिए लिखेगा मान लो रीडिंग x है तो x माइनस 34 डिवाइडेड बाय वी कैन टेक इट एज 210 माइनस 34 इज इक्वल टू नथिंग बट सेकेंड केस में लो क्या लिखेगा उसमें भी रीडिंग सेम आ रहा है x minus 32 divided by 212 minus 32. Minus 32. Got it? Yes, sir. So we can find out what about the value of x over here. So usme dono mein same temperature reading dikha raha. Okay, sir. Thank you. Sir, question third from the same column. Question third, on a hypothetical scale A, the ice point is 42, ice point matlab lower fixed point, ice point is 42 degree and the steam point, which is upper fixed point is 182. For another scale B, the ice point is minus 10 and steam point is 90. If B reads 60, then the reading of A is same. हम लोग ये दोनों temperature scale को compare करना है by using the same equation. Reading minus lower fixed point divided by upper fixed point minus lower fixed point. तो over here we are having two temperature scales A and B. तो A पे जो lower fixed point है वो 42 है and इसका जो upper fixed point है वो 182 है. For another scale इसमें जो lower fixed point है minus 10 है और अपर फिक्स्ड पॉइंट है वो 60 है ओके एंड द स्टीम पर सॉरी 60 नहीं 90 है एंड इफ बी रीड्स 60 तो बी पे जो रीडिंग आ रहा है वो 60 डिग्री आ रहा है तो व्हाट अबाउट द करेस्पोंडिंग रीडिंग इन ए ए पे रीडिंग क्या आएगा वो फाइंड आउट करना तो कैन राइट द सेम इक्वेशन रीडिंग इन ए माइनस उसका जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट है व्हिच इज 42 डिवाइडेड बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट 182 माइनस 42 इज इक्वल टू reading in B that is 60 minus lower fixed minus 10 divided by upper fixed point that is 90 minus minus 10. So we can find out what about the value of A over here. Got it? Excuse me, sir. बोलो बेटा।
सर मंडे का जो टेस्ट है सीडीएफ वो पूरा ये टेम्परेचर और कैलोरीमेट्री पे बेस्ड होगा ना? यस कैलोरीमेट्री इज नॉट देयर. वी विल डिस्कस अबाउट दैट. अब ये होमवर्क में कुछ डाउट है तो बोलो. सर लेवल 2 होमवर्क सेकंड में. यस सर. Over here, it is given that a gas thermometer measures the temperature from a various pressure of sample of gas. The pressure measures at the melting point of lead is 2.2 times the pressure measured at triple point of water. Find the melting point of lead is. So over here, we are comparing it with respect to triple point. So triple point में अगर हम लोग comparison कर रहा तो हमने डिस्कस किया था वील टेक इट एज विद रिस्पेक्ट टू जीरो रेफरेंस लाइन. सो वील यूज दैट इक्वेशन. टेम्परेचर एट अ पर्टिकुलर केल्विन द वैल्यू इन केल्विन स्केल डिवाइडेड बाय इट इज डिवाइडेड इनटू 270. इसका जो लॉ अपर फिक्सर पॉइंट उसको हमने 273.15 लेगा तो वी कैन टेक एज 273 माइनस लोअर फिक्सर पॉइंट इज जीरो is equal to nothing but iska corresponding pressure ka value bhi hum log dekh rahe hain. So pressure over there, so if the pressure measured at a melting point of lead is 2.20 times, so isme jo pressure ka value aa raha hai 2.20 minus 0 divided by at the triple point of water. So pressure at this point is प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट में जो वैल्यू क्या है उसका 2.2 टाइम्स है. सो डिवाइडेड बाय प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट माइनस जीरो. सो वी कैन फाइंड आउट व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ मेजरमेंट इन केल्विन स्केल. सो दिस प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट एंड दिस प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट विल गेट कैंसिल. सो यू कैन राइट द रीडिंग इन केल्विन स्केल विल बी इक्वल टू 2.20 टाइम्स द वैल्यू ऑफ दिस 273 या 273.15. मतलब क्वेश्चन पढ़ के समझ आता है ना कि वो उसका 2.2 टाइम्स है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का. डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना कि ना होता है इसके क्योंकि उससे 600 ही आएगा. मतलब आंसर भी वही है. सर बोलो बेटा. सर वो फॉर्मूला फिर से बताओ ना. ट्रिपल पॉइंट का टर्म में अगर आपको आंसर लिखना है ट्रिपल पॉइंट दिया है तो हमारा जो लोअर फिक्सड पॉइंट है वो जीरो हो जाता है, अपर फिक्सड पॉइंट है वो ट्रिपल पॉइंट हो जाता है. लेफ्ट सर लेफ्ट हैंड साइड होंगे राइट हैंड साइड में. राइट हैंड साइड में भी वही लिखा है कल इतना है रीडिंग माइनस लोअर फिक्सड पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्सड पॉइंट माइनस लोअर फिक्सड पॉइंट. अभी हमने ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे ट्रिपल पॉइंट पे लिखेगा उसका मतलब इसका लोअर फिक्सेड पॉइंट है हमेशा जीरो पे हम लोग लेता है तो ये हो जाएगा जीरो. तो हमारा इक्वेशन होगा रीडिंग ऑन दैट थर्मोमीटर डिवाइडेड बाय अपर फिक्सेड पॉइंट. अपर फिक्सेड पॉइंट हो गया नथिंग बट ट्रिपल पॉइंट. तो ट्रिपल पॉइंट में जो रीडिंग है तो रीडिंग बाय ट्रिपल पॉइंट इज इक्वल टू रीडिंग ऑन सेकंड थर्मोमीटर बाय उसका ट्रिपल पॉइंट. तो रीडिंग ऑन फर्स्ट थर्मामीटर है वो हमको फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाय ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है 273 इज इक्वल टू रीडिंग इन सेकंड. उसमें क्या प्रेशर का टर्म्स में मेजरमेंट कर रहा है तो प्रेशर का वैल्यू ट्रिपल पॉइंट में जो प्रेशर उसको पीटीआर मान लो. अभी का जो प्रेशर है वो ट्रिपल पॉइंट में जो प्रेशर है उसमें से 2.2 टाइम्स ज्यादा है. तो वी कैन कैंसिल दिस वन एंड दिस वन. तो टीके विल बी इक्वल टू 2.2 टाइम्स ऑफ 273. Thank you, sir. Level 2 homework में और कुछ क्वेश्चन में डाउट है? नहीं सर. इसमें कोई भी क्वेश्चन में और कुछ क्वेश्चन में डाउट है ये वर्कशीट में? सीक्यू लेवल 1 लेवल 2 में कोई भी क्वेश्चन में डाउट है? नो सर.
इसमें कौन सा क्वेश्चन में डाउट है? Third one is graph AB shows figure is a plot of temperature of a body in degree Celsius and degree Fahrenheit. तो जो y axis में degree Celsius में दिया है, x axis में Fahrenheit में दिया है. तो हमको अगर graph draw करना है, तो we should know the relation between y and x or y as a function of x. फिर हम decide करते हैं graph का shape क्या है और उसमें क्या represent करते हैं. Y is equal to f of x का graph draw करना. So on y axis we are on y-axis, we are discussing about, we are considering that degree Celsius, and on x-axis, we are considering that Fahrenheit's reading. So, isme relation likhna hai. So, degree Celsius scale ka reading minus 0 divided by 100 minus 0 is equal to that Fahrenheit's mein jo reading hai minus 32 divided by 180. So, we know the relation between them, that is reading in degree Celsius scale is equal to nothing but we can take it as this is 5 divided by 9. So this we'll take it as nothing but 5 f divided by 9 minus 32 into 5 divided by 9. 5 divided by 9. Yeah. So we can find out what about the value of like degree Celsius scale or Fahrenheit में हम लोग equation लेकर आए. अभी आप देख सकते हैं इसमें जो relation है, this is in the form of y is equal to mx plus c पे आ रहा है. देखो y is equal to mx minus c पे आ रहा है. देखो right, तो ये part हो गया nothing but constant and this is nothing but x and this is the slope of that curve like that. तो y is equal to mx plus c पे आ रहा है, तो we can say that it is going to be a straight line. तो this graph is formula तो y is equal to mx plus c है ना. हाँ, तो c लिख दो, plus c लिख दो. उसमें जो c का वैल्यू है इधर माइनस में आ रहा है, समझा? ओके ओके ओके. c रिप्रेजेंट्स नथिंग बट y इंटरसेप्ट. सो यू कैन राइट इधर जो y इंटरसेप्ट है उसका वैल्यू क्या आना चाहिए, हमको नेगेटिव वैल्यू मिलना चाहिए. करेक्ट. एंड जो स्लोप है वो 5 बाय 9 है, वो पॉजिटिव है. तो स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, y इंटरसेप्ट नेगेटिव होना चाहिए. तो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, समझा? हाँ सर. तो ये पॉइंट रिप्रेजेंटेशन करता है नथिंग बट माइनस 32 इनटू 5 डिवाइडेड बाय 9. एंड ये जो ग्राफ का स्लोप है, मतलब अगर इसको हमने टैन थीटा का वैल्यू लिखेगा, दैट विल बी इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 9. समझ में? एम का वैल्यू. तो ओवर हियर इट इज स्लोप ऑफ लाइन ए बी. तो इसमें स्लोप का वैल्यू पूछा है. स्लोप slope of line के AB क्या आएगा? 9 by 5 आएगा ना? Sorry, 5 by 9 आएगा ना? Sir, कैसे? Got it. अरे वो तो find out किया ना, M का value. Okay, okay, okay. Yeah. MX plus T, M का value क्या है? 5 by 9 है ना? Slope is 5 by 9. Sir, first question. Question number 6. No, 4. On an x temperature scale, water freezes at minus 125 degrees Celsius and boils at 375. So, its lower fixed point and upper fixed point is value. So, you can write on an x temperature scale. So, if you are considering a temperature scale x over here, water freezes at minus 125, you get lower fixed point. And boils at 375, upper fixed point. On a temperature scale y, temperature on y temperature scale, water freezes at minus 70 pe freeze ho raha, and boils at minus 30 degree Celsius. The value of temperature on x equal to that of temperature of 50 on y scale. On the value of temperature on x scale, this mein jo T ka value hai, equal to the temperature of 50 on y. तो y पे अगर आपको 50 मिल रहा है, तो इसमें जो reading कितना आएगा, वो find out कर. तो these are normal equation. x के लिए reading minus its lower fixed point, that is minus 125 divided by its lower upper fixed point, that is 375 minus of 125 is equal to
इसमें जो रीडिंग है विच इज गिवन एज नंबर 50 माइनस इसका जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट है दैट इज माइनस 70 डिवाइडेड बाय इट्स अपर फिक्स्ड पॉइंट इज माइनस 30 माइनस माइनस 70 सो यू कैन फाइंड आउट व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ टी ओवर हियर सो टी प्लस 125 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 500 सो इट विल बी 500 इज इक्वल टू आई थिंक बट 130 and sorry 120 divided by this will be plus 40 so you can find out what about the value of like t over there iska hum log 3 le sakta hai minus 40 hoga na so you can write t will be equal to nothing but 1500 minus 1375 सर कैन यू शो द सॉल्यूशन ऑफ थर्ड वन सर ये कौन से लेवल कल आपने जो क्वेश्चन भेजे थे वो कौन से लेवल के थे लाइक Redmi के Samsung के Samsung mains level का okay sir done sir yeah so fourth one Fourth one is going that to absolute scale x and y assigned numerical values 200 and 450 to the triple point. So, देखो triple point का term में लिखा है. What is the relation between tx and ty over here? तो triple point का term में लिखेगा तो हमेशा ये रहेगा tx divided by triple point. तो x में triple point क्या था 200 is equal to ty divided by उसका triple point that is 450. So the relation between tx and ty is, we can write this is like a 9 and 4. So 9 tx is equal to 4 ty. Triple point का term दिया है हमेशा इसका एक ऐसा equation लिखना है. Yes sir. और बोलो. नहीं था. Sir, sixth question. Prajwal. यस yes, सर क्या हुआ अच्छा मैंने माइक नहीं था सॉरी नहीं वैसे म्यूट करके गाना गा सकते ऐसा भी नहीं है नहीं 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 मम्मी से बोल रहा था बोलो बेटा ऑप्शन एक्सक्यूज मी सर बोलो इज इक्वल टू 9 सर tx 4tx is equal to 90 वैसा आना चाहिए ना नहीं नहीं 9 a साइड पे आएगा ना बेटा दिस इज नहीं समझो हां सर हां क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस हां सर समझ गया सर 61 इज गोइंग टू स्टील 61 होमवर्क में नहीं दिया था वो तो पढ़ाया नहीं अभी तक बाद में डिस्कस करते हैं तो थर्मल एक्सपेंशन में आ जाता है इसमें और कुछ क्वेश्चन में डाउट है बोलो बेटा एक और बार बोलो बेटा क्या बोला सुना नहीं सर थर्ड क्वेश्चन वापस समझाओ ना आर एम इज टू ड्रॉ अ ग्राफ व्हिच इज शोइंग द रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस स्केल एंड फारेनहाइट स्केल तुम लोगों को कोई भी ग्राफ ड्रॉ करना है तो फाइंड आउट करना चाहिए वाई और एक्स में क्या रिलेशन है ओके तो डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट में रिलेशन फाइंड आउट करना y इज इक्वल टू समथिंग इन टर्म्स ऑफ x हम लोग को इक्वेशन लिखना है तो पता चलेगा ग्राफ क्या है तो डिग्री सेल्सियस स्केल का रीडिंग -0 डिवाइडेड बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट -लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल टू रीडिंग इन फारेनहाइट स्केल -32 डिवाइडेड बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट -लोअर फिक्स्ड पॉइंट तो क्या आएगा डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू f -32 डिवाइडेड बाय 180 So you can cancel this and this is 5 and this is 9. So you can write reading in degree Celsius scale is equal to 5F
divided by 5f by 9 minus 32 into 5 divided by 9. Is samajh mein aaya idhar tak? Yes. This is a relation between C and F. So we can write y is equal to the normal straight line ke liye equation hai, y is equal to mx plus c. जो m है वो represent करता है slope. Slope means nothing but the value of tan theta. मतलब अगर आप एक straight line draw करेगा on y x axis, let's say we are drawing a straight line something like this. So this line is going to make some angle with respect to the horizontal in anti-clockwise direction. So this angle is taken as theta. Say जो tan theta का value which is known as slope represented by m. Got it? एंड ये जो लाइन है वो कौन सा पॉइंट में वाई एक्सिस में कौन सा पॉइंट में टच करता है दैट इज रिप्रेजेंटिंग पॉइंट सी. तो ओवर हियर वी गॉट द रिलेशन एज सी इज इक्वल टू एम एम इनटू एफ. एम का जगह पे क्या आ गया 5 बाई 9 आ गया एंड सी का वैल्यू क्या हो गया 32 माइनस पे आ गया माइनस 32 इंटू 5 बाई 9. तो जो वाई एक्सिस में नेगेटिव में वो हिट करना चाहिए एंड द ग्राफ इज मूविंग समथिंग लाइक दिस. तो जो ग्राफ का थीटा है मतलब ये जो टैन थीटा का वैल्यू है वो आपको 5 डिवाइडेड बाय 9 मिलेगा एंड कौन सा पॉइंट में टच किया है ये पॉइंट का वैल्यू मिलेगा माइनस 32 इनटू 5 डिवाइडेड बाय 9. सो इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ स्लोप. स्लोप इज 5 डिवाइडेड बाय 9. ओके सर. यस सर. सो इज द सिक्स्थ क्वेश्चन नॉट इन अ पोर्शन? नो नो. इसमें और कुछ क्वेश्चन डाउट है? तो सिक्स का नॉट ऑप्शन है क्या? बोला बेटा सिक्स को छोड़ो और कुछ बात करना तो करो. बोलो अभी हमको अगर कोई भी ट्रिपल पॉइंट पे दिया है ठीक है इन टर्म्स ऑफ ट्रिपल पॉइंट दिया है सो रीडिंग ऑन दैट डिवाइडेड बाय the value in triple point will be equal to a constant. ऐसा लिखना है. So in case of over here, reading in x scale divided by उसका triple point 200 दिया है will be equal to reading in y scale by उसका triple point that is 450. So you can cancel this. तो ये क्या आएगा 5 tx by 5 is equal to ty by 9. That means 9 tx is equal to 5 ty. Yes. Okay. And if it is mentioned in triple point. Okay. Okay. Aur kuch question doubt hai isme? Sir, fifth one. A faulty thermometer reads freezing point and boiling point of water as minus 5 and 95 respectively. What is the correct value of temperature as it reads 60 degree on faulty thermometer? So, faulty thermometer mein reading kya aa raha hai 60 aa raha hai. Uska lower fixed point kitna tha? Minus 5 tha. So, minus 5 divided by uska upper fixed point tha 95 minus minus 5. Lower fixed point is equal to agar isko correct reading find out karna degree Celsius mein. तो रीडिंग इन डिग्री सेल्सियस स्केल माइनस जीरो डिवाइडेड बाय 100 माइनस जीरो. तो ये क्या आएगा 70 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू नथिंग बट आर डिवाइडेड बाय 100. दैट मींस द वैल्यू ऑफ आर रीडिंग विल बी इक्वल टू 70. तो एक्चुअल रीडिंग होगा 70. तो 70 कैसे 65? 65 होगा ना. 65. हां सर 65. या 65 और कुछ क्वेश्चन डाउट है? नो सर. नो सर. नो सर. आपका बुकलेट में कोई भी क्वेश्चन डाउट है? हेलो सर. बोलो बेटा. फोर.
Sir, can you send the PDF of the booklet in the group? मेरे पास बुकलेट का पीडीएफ नहीं है. पहले जो भेजा है वो है. ठीक है. फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर नियर एब्सोल्यूट जीरो थर्मोमीटर इज यूज्ड एज ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है. अगर एब्सोल्यूट जीरो के पास यूज करना है तो वी शुड यूज अ मैग्नेटिक थर्मोमीटर. रेडिएशन इज फॉर लाइक हायर टेम्परेचर. एब्सोल्यूट जीरो के पास है तो मैग्नेटिक थर्मोमीटर यूज कर. सर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर पे आपसे दो दो लाइन दिखा सकते हैं मतलब उसका यूज क्या है और प्रिंसिपल क्या है? वो आप अलग अलग चैप्टर में पढ़ता है ऐसा इसमें नहीं पढ़ता है. ओके सर. सिक्स गैस थर्मामीटर्स आर मोर सेंसिटिव देन लिक्विड थर्मामीटर बिकॉज़ जो लिक्विड में गैस में जो एक्सपेंशन है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ लिक्विड्स. तो उसमें जो वेरिएशन है वो ज्यादा दिखाएगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ लिक्विड्स. उस गैस एक्सपेंड्स मोर देन लिक्विड्स. सर सेवन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थर्मामीटर्स द वन व्हिच मोस्ट यूजफुल फॉर मेजरमेंट ऑफ is used for the most useful for the measurement of rapidly varying temperature is platinum resistance thermometer, gas thermometer. Hum log jo platinum thermometer use karta hai that is working on the principle that if there is a change in temperature then there will be a change in resistance. So resistance vary karega with respect to change in temperature. So there is the working of this platinum thermometer. But अगर हमने temperature suddenly change कर रहा है तो वो जो resistor है वो cool करने के लिए थोड़ा time लगेगा. ऐसा नहीं कि हमने temperature का value 10 to 11 suddenly change हो गया तो resistor को 10 to 11 cool करने में थोड़ा या 10 to 11 increase करने के लिए थोड़ा time लगेगा. तो sudden variations we cannot measure it by using this platinum thermometer or any type of resistance thermometer because उसको टेम्परेचर वेरी करने के लिए थोड़ा टाइम तो हम लोग देना चाहिए, टाइम गैप देना चाहिए. नाउ इन केस ऑफ लाइक गैस थर्मोमीटर आल्सो द लाइक सेम थिंग ओवर हियर. इट विल टेक सम टाइम फॉर द गैस टू अब्सॉर्ब दैट टेम्परेचर एंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ प्रेशर. मतलब आप सडनली अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो प्रेशर तो और वॉल्यूम तो चेंज नहीं करेगा. इट विल टेक सम टाइम फॉर इट. एंड या इन केस ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर वी कैन फाइंड आउट the value of sudden variation in temperature. Thermoelectric temperature thermometer working karta hai on the principle that agar hum log ek conductor use kar raha actually hum log do conductor leta hai and do conductor ko aisa connect karke rakhta hai and one end of this conductor we'll keep in contact with the cold body and another one is we'll keep in connection with the hot body. Then there will be a flow of current through the system. अगर ऐसा हमने कुछ situation के कुछ maintain किया है, one end at cold and another joint end at hot and other hot, so there will be a flow of heat and a flow of current through the conductor. Okay. तो over here हमने जो temperature difference अगर ज़्यादा maintain करेगा, तो current का value भी ज़्यादा होगा. तो over here it is working under the principle that over here this current is directly proportional to the value of temperature difference. अगर आप temperature change करेगा तो suddenly इसमें से जो current का flow होता है वो भी vary करेगा. तो हम लोग easily calculate कर सकता है what about the variation in temperature with respect to the variation in current flowing through it. तो these are also known as the thermocouples. तो ये use करके sudden variation. अगर suddenly अगर temperature में जो भी variation होगा तो current में भी उतना ही variation होगा. तो हम लोग जो ammeter है या voltmeter उसमें से हम लोग reading कर सकता है. Got it? और बोलो. और कुछ क्वेश्चन में डाउट है सर? तो 15 वाला कैसे करेंगे? 15 द कर्व दैट रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फारेनहाइट. अभी किया ना बेटा, सेल्सियस और फारेनहाइट में रिलेशन लिखा तो स्लोप क्या होना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए. हां
और y इंटरसेप्ट क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तो ए ऑप्शन, क्या ऑप्शन है सर? तो इसमें स्लोप पॉजिटिव और y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, बोलो बेटा। सर जो थर्मामीटर वाले जो क्वेश्चन है अलग अलग टाइप के, वो कैसे करेंगे अभी? लाइक वो एक्चुअली एक एक चैप्टर में होता है, वी कैन नॉट डिस्कस इट ऑल द थिंग्स इन लाइक इन दिस सर, बट कुछ बेसिक थर्मामीटर्स तो बता दो ना। वो हम लोग जो भी क्वेश्चन आएगा उसको उसमें डिस्कस करता है, ऐसा ही लर्न कर दो। लाइक इट्स नॉट लाइक वी कैन नॉट डिस्कस ऑल टाइप ऑफ थर्मामीटर एंड इट्स वर्किंग। ओके और बोलो बेटा। Sir, can you explain triple point once again? I'm a bit confused in that. Normal जो thermometer है, उसमें कोई भी एक point को lower fixed point लेता है, which is nothing but the melting point of ice, and boiling point of water को upper fixed point लेता है, okay? तो अगर हमने ऐसा दो thermometer को compare कर रहा है, किसमें अपर फिक्स्ड पॉइंट इज टेकन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज टेकन एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, तो उसमें रिलेशन लिखता है रीडिंग इन दिस थर्मोमीटर माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। ये समझ में आया? यस सर। एंड कौन सा थर्मोमीटर में ट्रिपल पॉइंट का कंसेप्ट यूज करता है? उसमें ट्रिपल पॉइंट इज टेकन एज नथिंग बट द अपर फिक्स्ड पॉइंट। ओके, तो जो ट्रिपल पॉइंट है वो हो गया अपर फिक्स्ड पॉइंट, एंड एक्चुअल जो जीरो है, एब्सोल्यूट जीरो है, दैट इज टेकन एज नथिंग बट अ लोअर फिक्स्ड पॉइंट। तो इधर का जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट है वो फिक्स्ड है, जीरो है। ओके, वो चेंज नहीं करेगा। तो इधर हम लोग रीडिंग इन दिस थर्मोमीटर माइनस इसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट जीरो डिवाइडेड बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट इज करेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर ऑन ट्रिपल पॉइंट। ओके, एंड माइनस इट्स लोअर फिक्स्ड पॉइंट विच इज जीरो। तो इनडायरेक्टली हम लोग ऐसा डायरेक्टली लिख सकते हैं रीडिंग ऑन दैट डिवाइडेड बाय व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑन दिस ट्रिपल पॉइंट विल बी इक्वल टू द रीडिंग इन लेट्स से अनदर थर्मोमीटर डिवाइडेड बाय व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ that triple point on that particular thermometer. Okay, sir. Thank you. Sir, 14th question. जो coefficient of linear expansion है वो हम लोग अभी तक पढ़ाया नहीं है, next session में पढ़ाएंगे इसको। Okay. लोग अली टेम्परेचर स्केल और उसका कंपैरिजन वाला क्वेश्चंस कर रहे हैं, थर्मल एक्सपेंशन बाद में डिस्कस करते हैं। सर पर ये 14 डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फारेनहाइट करना है। कोएफिशिएंट इन एक्सपेंशन ऑफ अ मेटल रॉड इज दिस मच, द वैल्यू इन वैल्यू पर डिग्री फारेनहाइट। ओके, इसको कन्वर्शन करना है तो पर डिग्री सेल्सियस। मला भी भारी चाचू भी घेतलाय माला नेट। सर इसमें हम लोग डायरेक्टली 12 को कर सकते हैं ना, बस 12 को तो इसमें मिल जाएगा पूरा 12 डिग्री। हम लोग इसको डिग्री सेल्सियस में जो 1 डिग्री सेल्सियस में जो वेरिएशन है और डिग्री फैरेड में जो वेरिएशन है उसको कंपेयर करना है। ठीक है, उसको कन्वर्ट करना है। So over here, हम लोग देख सकते हैं that is like coefficient of linear expansion जो alpha का value है is gonna be 12 into 10 raised to minus 6 per degree Celsius. अगर आपको convert करके लिखना है the value in per degree Farad, तो आप देखना है 1 degree Farad और 1 degree Celsius में क्या relation है। Okay, so मतलब change in like 1 degree Celsius और change in 1 degree Farad में क्या डिफरेंस क्या आता है। सो यू कैन राइट ओवर हियर दैट इज जो डिग्री सेल्सियस में लो लेते हैं डिग्री सेल्सियस माइनस इसका जो अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस जीरो डिवाइडेड बाय 100 माइनस जीरो विल बी इक्वल टू रीडिंग इन फारेनहाइट स्केल माइनस 32 डिवाइडेड बाय
this value over here, which is 180 and all that, okay? Or 212 minus this. So you can write change in degree Celsius, change in degree Celsius divided by 100 will be equal to change in Fahrenheit scale divided by 180. So you can write change in degree Celsius divided by, that is 5 by 5, 9, change in degree Celsius by 5 is equal to nothing but change in Fahrenheit scale divided by 9. Got it? तो इधर जो चेंज इन डिग्री सेल्सियस में लिखा है उसको फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो यू कैन राइट चेंज इन डिग्री सेल्सियस को चेंज इन फारेनहाइट में कन्वर्ट करके लिखना है, तो 5 by 9 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ? तो 1 डिग्री सेल्सियस में जो चेंज है विच इज बेसिकली 5 by 9 टाइम्स चेंज इन दैट ऑफ लाइक फारेनहाइट स्केल, तो वी कैन पुट दिस वैल्यू ओवर हियर इंस्टेड ऑफ डिग्री सेल्सियस, तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं उसमें करस्पोंडिंग वैल्यूज क्या आ रहा है। इस समय में क्या लिखा सर? 32 का क्या? 32 कांस्टेंट है ना बेटा? यस सर। मतलब आप इसको ऐसा डिफरेंशिएशन जैसे सोचो तो आपको आइडिया मिलेगा। C divided by 100 is equal to F minus 32 divided by 180. If I am change मतलब क्या होता है final value, मतलब अगर मान लो मैंने differentiation जैसा सोच रहा है, तो DC divided by 100 is equal to F का differentiation, that is nothing but DF minus 32 is a constant, उसका differentiation हो गया 0 divided by 180, समझा? तो change in C divided by 100 is equal to change in F divided by 180. Yes, sir. Got it. Sir, it's coming 21.6. Yeah, they glow and look at it. How's the third option? Hello, sir. Bola, beta. सर आप कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन सिखाने वाले हो क्या बाद में? या वो हम लोग थर्मल एक्सपेंशन करके एक टॉपिक है उसमें पढ़ाएंगे। सर तो ये दिस विल नॉट कम इन एग्जाम राइट? दिस विल नॉट कम इन, अगर आप इसमें देखो उसको एक्सपेंशन से कुछ लेना नहीं था, वो यूनिट का कन्वर्शन ही था। Okay. तो इसमें आ सकता है, मतलब वो अगर आपको कोएफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन का कुछ वैल्यू पता नहीं है तो भी हम लोग इसको आंसर तो कर सकते हैं ना। ओके ओके, तो वो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस लाइक आ सकता है। सो कैन यू सेंड मोर शीट मतलब? यस सर। वो उधर अल्फा इज इक्वल्स टू 12 इनटू 10 रेज टू माइनस 6 बाय डिग्री सेल्सियस क्या लिखा है? डिग्री सेल्सियस लिखा है। यस सर, वो क्या है डिग्री सेल्सियस? सर वो क्यों अल्फा का वैल्यू है? ओके या और कुछ क्वेश्चन डाउट है इसमें? Doubt in any other questions? No, sir. Yeah. So if you are having any doubt related to this track sheet, so basically this one is nothing but your track sheet, and in your group I think you might be observed this track sheet. Okay, so in this track sheet they are mentioning what about the which topic we are going to discuss in the class, and what about the topic which is coming for examination also. Okay,
like for next examination on like on Monday, so they will mention that mains model examination over here. Got it? And abhi humko jo talk sir, you are not audible. Can't hear you, sir. Yeah, sir. Did he? What did he do? Okay. So this will be based on the previous week topic. That means the topic will be like these topics. So this heat and temperature uska questions aayega. Okay. And so jo bhi concept hum log discuss kar. Sir. Yeah, sir. Sir, vector will come. Vector and types of vector. No, nah, sir. 100% है ना portion. Present week 100% syllabus. तो आपको जो अभी आज week में discuss करेगा उसके ऊपर questions आएगा. Okay. Okay. So means vector will not come. Vectors तो नहीं आएगा. नहीं आएगा. नहीं आएगा. ये heat. Okay. हमने जो heat और temperature scale के बारे में discuss किया उसका ही आएगा. और आपके पास जो booklet है उसमें से homework क्या क्या करना है और एग्जाम्पलर एग्जाम्पलर मतलब जो सॉल्ड एग्जाम्पल्स देता है दैट इज नॉट अ समथिंग बट एग्जाम्पलर्स ओवर देयर ओके और दो कॉलम दिया है वन इज लाइक इसमें से ये सब क्वेश्चंस है आप होमवर्क में सॉल्व करना है और इसमें से क्वेश्चंस आने का चांसेस भी है सर डब्ल्यू क्या है डब्ल्यू क्या है वर्क एग्जाम्पल तो हम लोग इसके अंदर लाइक इसमें शायद है नहीं इसमें नहीं है लाइक या ये जो बीच में से सॉल्व वॉल्यूम या दिस इज अगर हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है मतलब बीच में ऐसा सॉल्व एग्जांपल्स देता है ना या सर वो स्टार्टिंग में दे आर नॉट समथिंग बट जो या येलो कलर में होता है नॉर्मली तो दैट इज समथिंग बट वर्क एग्जांपल्स तो वर्क एग्जांपल्स वो टॉपिक के ऊपर कौन सा वर्क एग्जांपल दिया है वो उसमें मेंशन किया है ठीक है तो भी आप लोग सॉल्व करना है दैट इज मेंशनड इन द ट्रैक शीट सो हर एक वीक में आपको ये जो ट्रैक शीट दिया है फॉलो करना पड़ेगा तो हम लोग भी उसके हिसाब से आप लोग को पढ़ाते हैं कि ये वीक में ये चीज पढ़ाना है ओके सो फॉर द नेक्स्ट वीक लाइक द टॉपिक इज गिवन एंड like thermal expansion and other things like that har ek week mein aur pura year ke liye ye track sheet hai kaun sa question solve karna hai wo sab isme mention kiya hai aur exam bhi mention kiya hai theek hai agar isme kuch variation karega to har ek do week ya ek month ka track sheet aapko matlab what group mein dega sir so any doubt regarding this track sheet bolo beta सर वही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए अगर बुकलेट नहीं है तो सर और कोई जगह से कर सकते हैं प्रैक्टिस मतलब कोई है सर जगह तो सर देख कर कर सकते मतलब बुकलेट तो मैंने एक बुकलेट तो ग्रुप में भेजता हूँ हाँ सर वेक्टर्स वाला है ना अगर वेक्टर्स वाला हीट का अभी तक मिला नहीं है ओके ओके वेक्टर्स आपको बुकलेट मिला है कोई भी एक बुकलेट मिला है You got any booklet from Narayana? Volume 1 ka baaki sab mil gaya.
अगर आपको बुकलेट 5 तक मिला है तो उसमें 5th बुकलेट में है हीट मतलब जो थर्मल एक्सपेंशन सॉरी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर करके है. देखो अगर किसको बुकलेट नहीं मिला है आई विल टेक लाइक पिक्चर्स ऑफ दिस बुकलेट फ्रॉम समवन एंड आई विल पोस्ट पोस्टेड इन द ग्रुप. सो बुकलेट वॉल्यूम 5 में जो जो हां सब पोस्ट कर दो. या क्या बोलो बेटा वर्क एग्जांपल्स जो है वो किस में रहेंगे? बुकलेट में रहेंगे. बुकलेट में रहेंगे. अच्छा तो क्या बस बुकलेट पोस्ट कर सकते हो ग्रुप पे? बुकलेट मेरे पास नहीं है, अगर मेरे पास अगर मिलेगा तो मैं पोस्ट करता हूँ. तब तक जो पीडीएफ भेजा है उसमें से सॉल्व कर दो. ओके जो सेम ट्रैक है वो नीट के लिए भी रहेगा. ठीक है सेम थिंग. और आपका नीट का बुक के हिसाब से इसमें क्वेश्चन लिखा है कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है. ओके एंड दो एग्जाम रहेगा उसमें सिलेबस भी मेंशन करेगा. अभी देखो इसमें देखो ऐसा मेंशन किया है कि 100% सिलेबस ऑफ फ्रॉम 12 टू 14. सो इधर जो भी डिस्कस करेगा उसके बारे उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा. ठीक है एंड जो सीडीएफ का सिलेबस है वो भी वो 3 टू 14 दिया है. 3 टू 14 मतलब क्या हो रहा है बेसिक मैथ्स का भी आएगा और ये इधर तक बेसिक मैथ्स से लेके दस थर्मल प्रॉपर्टी का स्टार्टिंग पार्ट तक का आएगा. गॉट इट. तो दे विल मेंशन द सीडीएफ कौन सा टॉपिक आने वाला है. ऐसा जेई में भी मेंशन करता है आई थिंक पहले हमने जो देखा है उसमें नहीं था बट इन जनरल उसमें भी मेंशन करता है कौन सा टॉपिक का एग्जाम एग्जाम में कौन सा टॉपिक आने वाला है और कौन सा रेंज का पेपर्स में आने वाला है. तो बाद में क्यूमुलेटिव भी आएगा तो कितना परसेंटेज ये वीक से कितना परसेंटेज से प्रीवियस वीक के वीक से कितना परसेंटेज आ रहा है वो सब मेंशन करेगा उसके अंदर. सो एनी डाउट ऑन द स्पॉट सर? तो इस वीक के लिए बस हमें हीट वाला चैप्टर पढ़ना होगा ना? पढ़ना होगा एग्जाम के लिए मतलब जो मेंस के एग्जाम के लिए सीडीएफ के लिए बेसिक मैथ्स भी पढ़ना है और ये इसका जो फर्स्ट पार्ट भी पढ़ना है. फिर इसका फर्स्ट पार्ट कहां तक पढ़ना है? हीट वाला इधर जो लिखा है उधर तक मतलब हमने जो पढ़ाया तब उधर तक मतलब टेम्परेचर स्केल्स तक. सर टेम्परेचर स्केल तक बोलो बेटा. सर फॉर मेंस वेक्टर्स भी पढ़ना है? फॉर मेंस वेक्टर्स नहीं बेसिक मैथ्स बस रहा. ओके ओके सर. सो सीडीएफ के लिए वेक्टर्स पढ़ना है? नो सीडीएफ के लिए बेसिक मैथ्स और ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. तो होप सो दैट सबके पास सीडीएफ का पीडीएफ है. अगर सीडीएफ का मटेरियल नहीं है आप ग्रुप में डाला है देख सकते हैं. किसी के पास नहीं है तो मेरे को पर्सनली मैसेज करो आई विल सेंड इट टू यू. सर ये सीडीएफ सेम जेईई और मेंस के लिए नीट के लिए सेम सीडीएफ मटेरियल है. ओके जेईई के लिए भी सेम है सीडीएफ बेसिक मैथ्स आएगा. Yes, I say basic maths plus this like, thermal properties. तो इसमें हम लोग कहाँ तक डिस्कस किया उधर तक ही पढ़ना है. लाइक द फर्स्ट पॉइंट इट इज द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर. यूनिट ऑफ टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल डिफरेंट यूनिट ऑफ टेम्परेचर है. हम लोग केल्विन में मेजरमेंट कर सकता है डिग्री सेल्सियस में मेजरमेंट कर सकता है फारेनहाइट में मेजरमेंट कर सकता है. Along with that, you should remember what about its lower fixed point and upper fixed point of these three scales. Okay, and heat is a form of energy which is in flow or which is transferred between two system by virtue of temperature difference. So temperature difference is the reason for its flow of heat energy. And SI unit of heat energy is joule. And कोई भी energy का unit है वो joule ही रहेगा. अगर आप और unit रहता है something like calorie etc. Then the relation between Fahrenheit and like the relation between any thermometer scale, we know that. इसमें Fahrenheit और degree Celsius में लिखा है that is
Fahrenheit reading minus 32 divided by 180 is equal to reading in degree Celsius divided by 100. Hello, and, sir. Bola beta. Sir, basic math के लिए कोई CDF है क्या? Basics max. उसके लिए कोई CDF material नहीं है ना मतलब? रहेगा देखता हूँ. Sir है या फिर नहीं? Sir नहीं है शायद मैंने देखते. एक मिनट. So, जो आइडियल गैस इक्वेशन है which is PV is equal to NRTM, लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? Where N represents the moles of an ideal gas and P is pressure, V is volume and T is representing the temperature and this R is known as universal gas constant and this value होता है, that is 8.31 joules per mole per Kelvin. And absolute zero is something but minus 273.15 degree Celsius and Kelvin scale or degree Celsius scale में relation दिया like reading in Kelvin scale is reading in degree Celsius scale plus 273.15. So just read up to this point, okay, for CDF for next examination, okay. ये part. Sir, बोलो बेटा. Sir, can you send me the recording of yesterday's lecture? That is already sent in the group. Group देख लो. What sir? Group कभी भी खोल के देखना है. जो व्हाट्सएप का ग्रुप है ना उसमें ऑलरेडी क्लास क्लास का रिकॉर्डिंग भेजा है अब देख लो ग्रुप में बट यस आई हैव सीन दैट बट यू हैव टीचर अबाउट यू हैव टीच यस्टरडे अबाउट हीट बट उसका नहीं है किसी जो काइनेमैटिक्स और वो सब है सो दैट्स इट कैन यू सेंड मी द रिकॉर्डिंग ऑफ यस्टरडेज लेक्चर सर आप कौन सा ग्रुप में है आप कौन सा ग्रुप में ग्रुप का नाम क्या है बोलो सर आई एम फ्रॉम जुलाई बैच ओनली बट यस्टरडे दैट सर इन आवर एरिया दे जुलाई नहीं नहीं मैंने पूछा कि आपका जो ग्रुप है ग्रुप का लाइक हेडिंग क्या है नाम क्या है जुलाई बैच नारायणा कॉलेज ऐसा है क्या वेट जस्ट अ मिनट सर Yes, sir. Narayana 2022@July. Narayana 2022@July. Okay. तो normal जो group है उसमें नहीं है आप. Mean sir. July. नहीं नहीं ठीक है. या उसमें भेजता हूँ सर मैं भी जुलाई वाले ही ग्रुप में हूँ और मेरे पास भी सीडीएफ मटेरियल नहीं है सर फिजिक्स का और दूसरे सब्जेक्ट्स का ओके ओके भेजता हूँ ग्रुप में भेजता हूँ देख लो ग्रुप में होगा ग्रुप में नहीं है तो भेजता हूँ मेरे पास भी नहीं है सर कुछ किसके पास मटेरियल नहीं है पर्सनली मैसेज कर दो या सर से पूछो तो मिल जाएगा आपको एक बार ग्रुप में देख लो नॉर्मली ग्रुप में भेजता है उसको ठीक है सर बोलो बेटा सर आई वांट अ रिकॉर्डिंग ऑफ यस्टरडेज लेक्चर दैट कैन यू सेंड मी पर्सनली मैसेज कर दो तो पर्सनली भेजता हूँ ओके सर यस्टरडेज रिकॉर्डिंग यू सेंड मी अ मैसेज ओके सर ओके सर आई विल सेंड मैसेज कोई भी चीज में कुछ डाउट है सर बोलो बेटा Sir, in CDF, there will be a basic maths and this heat and thermometers related. Yeah, CDF will be related to basic maths. Basic maths के लिए आप CDF में कुछ material नहीं दिया है, तो आप normal जो हमने जो class में discuss किया integration और differentiation वो पढ़ के जाओ और CDF में जो thermal जो thermometry है जो या measurement है
उसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है, वो पॉइंट्स रीड करके जाओ. ओके सर. एंड सर इन द मेंस आल्सो ओनली दीस टू टॉपिक्स विल बी देयर इन मेंस. यस यस मेंस ओनली हीट विल बी देयर लाइक थर्मामीटर विल बी देयर. वो वेक्टर वो बेसिक मैथ्स भी नहीं रहेगा. ओके सर. Sir, that CDF is of 20 minutes of something. Yes, yes. Five questions. Five questions of physics, five questions of chemistry, and I think 10 questions of max, right? Yes, sir. 10 max questions. Yes, sir. So first we write the CDF exam, max. Then we write the meter, right? Yes, yes. First you have to write CDF. Then we have to write mains. Then you can write the mains. And CDF में 100% marks आना चाहिए, वो बहुत जरूरी है. So CDF is very basic thing, so it should get 100 out of 100 on that. बोलो बेटा. So हमें. बोलो. तो थर्मामीटर में ना पढ़ना. Yeah, तर heat में हमने जो चीज discuss किया वही पढ़ना है. थर्मामीटर का वो comparison और सब. CDF material already group में post किया होगा. अगर नहीं मिला है तो मेरे को personally message कर दो, I'll send it to you. और सब group में एक और बार मैं भेजता हूँ ताकि अब मिल जाएगा सब लोग. हाँ सर, फिर से एक बार. Okay, anything else? No, sir. Sir, आपने centripetal acceleration सिखाया था batch 2 के लिए. Centripetal acceleration batch 2, I think. I'm losing myself.